मैं हूँ इस जंगल की रानी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे बर्थडे का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली मेरे दोस्त बन गए थे और हम लोग तीनों मिलकर पार्टी करने के लिए होटल जा रहे थे। तभी हम लोगों को रास्ते में एक चुड़ैल मिल जाती है जिसका नाम इविल नन होता है और इसने हम लोगों से कहा कि ये हम लोगों को खा जाएगी। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी देख लेते हैं। अरे गुल्ली, जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये इविल नन हम लोगों को मार देगी। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों सामने देखो, इविल नन तो इधर आ रही है। इस जंगल में मेरे हाथों से कोई नहीं बचता। अरे गुल्ली, जल्दी गाड़ी भगाओ यहाँ से, नहीं तो अब ये इविल नन मुझे मार देगी। हाँ हाँ सुन, अभी भगाता हूँ गाड़ी। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, मेरे हाथों से कोई बचकर नहीं भाग सकता। रुको, मैं तुम लोगों को पकड़ती हूँ। अरे गुल्ली, इविल नन तो हमारे पीछे हमें पकड़ने के लिए दौड़ रही है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो इविल नन हम लोगों को पकड़ लेगी। हाँ सुन, मैं अभी गाड़ी को जंगलों की तरफ ले जाता हूँ तो इविल नन हमें नहीं पकड़ पाएगी। तुम तीनों आज मेरे हाथों से बचोगे नहीं, मैं तुम तीनों को मार कर खा जाऊंगी। अरे गुल्ली, तुम गाड़ी को चलाते रहो, कहीं मत रोकना गाड़ी। ठीक है सोन, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं रोकूंगा गाड़ी। अरे गुल्ली, अभी तुमने कहा कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, तो क्यों रोका गाड़ी तुमने? अरे सोन, मुझे लगता है कि अब हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, अब हम लोग आगे नहीं जा सकते, अब क्या करें हम लोग। अरे गुल्ली, इविल नन हमारे पीछे नहीं आ रही है, लगता है वो बहुत पीछे छूट चुकी है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? अरे सोन, वो देखो सामने में तो एक घर है, चलो चलकर देखते हैं, अगर कोई होगा उसमें तो हम लोग उससे मदद मांगेंगे। अरे गुल्ली, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि बुल्ली की तबीयत और भी खराब होते जा रही है, पता नहीं वो कैसे ठीक होगा। अरे सोन, मैं बुल्ली को ठीक कर दूंगा। अरे गुल्ली, ये क्या, इस घर में तो कोई भी नहीं है और यहाँ पानी भी नहीं है, अब हम लोग बुल्ली को कैसे होश में लाएंगे, वो तो गाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ है। अरे सोन, तुम्हें याद है जहाँ पर हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ था, वहाँ पर तो एक छोटा सा तालाब था ना, चलो उस तालाब के पानी से हम लोग बुल्ली को होश में लाते हैं। अरे गुल्ली, हमारी गाड़ी तो यहीं पर सामने खड़ी थी ना, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दोस्तों, अब क्या होगा, बुल्ली कहाँ चला गया, क्या उसे इविल नन ले गई, ये सब आप लोग पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 देखने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टाटा।